नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कैशबैक मूवी के बारे में बताऊंगा। यह मूवी एक लड़के के बारे में है जिसके पास टाइम को रोकने की सुपर पावर होती है और वह टाइम को रोककर कपड़े उतार देता है। इस मूवी में एक बेन नाम का लड़का है जो आर्ट क्लास में पढ़ता है, जहां सभी लोग एक नेकेड आदमी की फ़ोटो बना रहे होते हैं। बेन एक आर्टिस्ट है जिसका अपने गर्लफ्रेंड से अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। अपने ब्रेकअप की वजह से बेन बहुत परेशान है और किसी बात पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। वह पिछली कई रातों से सो भी नहीं पा रहा था। एक दिन बेन स्टोर जाता है और वहाँ नाइट शिफ्ट की जॉब खाली होती है और वह जाप करने लगता है। वहाँ पर चार लोग और भी काम करते हैं, जहाँ एक लड़की थी जिसका नाम सैरन था और दूसरे दो लड़कों का नाम मैट और बैरी है। वे दोनों स्टोर में काफ़ी मस्ती करते हैं। बेन को सैरन से लव एट फर्स्ट साइड हो जाता है। सैरन को भी बेन में इंटरेस्ट है, पर बेन का मन काम में नहीं लगता है, वह बोर हो रहा होता है। एक दिन उसने टाइम को फ्रीज कर दिया होता है और वह किसी के साथ कुछ भी कर सकता था। बेन रुके हुए लोगों के बीच से निकल रहा होता है और वह लड़कियों से अट्रैक्ट होने लगता है। उस स्टोर में आई हुई सारी लड़कियों के कपड़े उतार देता है और उसकी ड्राइंग बनाने लगता है। उस टाइम वह अपने बॉस की बॉडी को देखता है और उसे ले जाकर गिरती हुई दूध के बोतल के सामने खड़ा कर देता है और बाहर जाकर टाइम को फिर शुरू कर देता है। अगले सीन में बेन का बचपन दिखाया जाता है। माजरा यह है कि बचपन में बेन के साथ एक लड़की रहती थी जो उसके सामने से बिना कपड़ों के रोज निकलती थी। बेन को यह देखकर बड़ा मज़ा आता था। बचपन में बेन और बेन के दोस्त एक सीनियर गर्ल को उसका प्राइवेट पार्ट दिखाने के पैसे देते थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं बेन और उसके स्टोर के साथी उसके बॉस के साथ फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। बेन और उसके साथी बुरी तरीके से हार रहे थे। फिर खेलते वक्त फुटबॉल बेन के पास बॉस के मुंह पर जा लगता है। तभी बेन टाइम को फ्रीज कर देता है और चेंजिंग रूम जाकर कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। पर तभी वहां पर एक आदमी टाइम फ्रीज होने के बाद भी चल सकता था। वह वहां से भागता है पर बेन उसका चेहरा नहीं देख पाता है। तब बेन को पता चलता है कि टाइम फ्रीज होने के बाद भी कुछ लोग चल सकते हैं। फिर बेन बाहर आता है और टाइम को चला देता है। अगले सीन में सैरन और बेन को डेट पर दिखाया जाता है। बेन सैरन को घर छोड़ने जाता है। सैरन बेन को किस करती है, फिर अपने घर चली जाती है। बेन का बॉस अपने बर्थडे पर एक पार्टी अरेंज करता है और स्टोर में काम करने वाले लोगों को बुलाता है और कुछ पर्सनल गेस्ट को भी बुलाता है। सैरन बेन को उस पार्टी में अपना साथी बनने को कहती है और बेन हाँ कर देता है। बेन के दोस्त आर्ट गैलरी का ओनर बनकर फ़ोन करते हैं और बेन को उसकी पेंटिंग के साथ पार्टी में आने को कहते हैं। उस पार्टी में बेन की एक्स गर्लफ्रेंड सूजी भी होती है, जहां बेन के बॉस ने उस सीनियर लड़की को भी बुलाया होता है जिसका प्राइवेट पार्ट बचपन में बेन देखा करता था पैसे देकर। सूजी बेन के बॉस के भाई की गर्लफ्रेंड होती है। सूजी बेन को उसके पास्ट के बारे में सॉरी बोलती है और बेन को किस करती है। बेन को कुछ भी समझ नहीं आता है, इसलिए वह सूजी को अपने से दूर कर देता है। सैरन बेन और सूजी को किस करते देख लेती है और गुस्सा होकर पार्टी से जाने लगती है। तभी बेन टीम फ्रेश कर देता है, पर बेन को रियलाइज होता है कि टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तब बेन टाइम को अनफ्रीज करता है और सैरन पार्टी से चली जाती है। अगले दिन बेन सैरन के घर उसे सॉरी बोलने जाता है, लेकिन सैरन उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। वह उस पर चिल्लाती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। अगले दिन बेन स्टोर जाता है और सैरन को ऑफिस में नहीं पाता है। फिर वह आर्ट गैलरी जाता है जिसका मजाक बैट और बेरी ने किया था। वहाँ का ओनर उससे कहता है, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है, लेकिन अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो तुम मुझे अपनी ड्राइंग दिखा सकते हो। बेन की ड्राइंग देखकर आर्ट गैलरी का ओनर बड़ा इम्प्रेस होता है और बेन की ड्राइंग के लिए एक एग्जीबिशन अरेंज करता है। फिर बेन सैरन को उस एग्जीबिशन का इनविटेशन देता है। सैरन एग्जीबिशन में आती है तो वह बेन की पेंटिंग को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि सारी पेंटिंग सैरन की ही होती है। तब उसे पता लगता है कि बेन उससे कितना प्यार करता है। वह बेन के पास जाकर उसे
कांग्रेचुलेट करती है और उसे किस करती है। फिर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार सेरेन भी टाइम फ्रीज में चल सकती थी। बेन और सेरेन दोनों बाहर जाते हैं, आसमान से गिरती बर्फ हवा में रुकी होती है। फिर ये दोनों एक दूसरे को फिर से किस करते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी की स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की मूवी की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।